वेलकम बैक टू माई चैनल रीम व्लॉग्स एंड रिव्यू। मैं हूं बुशरा, मैं फिर से लेकर आ गई हूं एक फूड वीडियो। और आप सब लोग कैसे हो? मेरी वीडियो देख के समझ गए होगे कि आज मैं बात कर रही हूं नज़ीर फूड्स की। अगर दिल्ली के चांदनी चौक के टेस्ट को आप मिस कर रहे हो और वहां का जो लजीज चिकन होता है, मटन होता है, जो नहारी होती है, वो मिस कर रहे हो, तो अब टेंशन की कोई बात नहीं है। नज़ीर फूड्स आ चुका है अब कानपुर में। यस, आपने सही सुना, कानपुर में नज़ीर फूड आ चुका है। स्वरूप नगर में नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, स्वरूप नगर में नज़ीर फूड्स। सबसे पहले वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ, आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी तक कानपुर में कोई भी ब्लॉग यहाँ से नहीं आया है यूट्यूब पे, तो आज मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगी यहाँ का फूड कैसा है, एम्बियंस कैसा है। वीडियो के एंड तक के बने रहिएगा। नज़ीर फूड बहुत ही फेमस है दिल्ली में, अलीगढ़ में काफ़ी इनके रेस्टोरेंट्स ओपन हो चुके हैं। और इनकी स्पेशलिटी है कि ये मुग़ल कुज़ीन को सर्व करते हैं, और दिल्ली में बहुत ज़्यादा फेमस है इनका टेस्ट। और उसी, मुझे लगता है, उसी मुगलई फील को लेकर वो इस रेस्टोरेंट में आए हैं कानपुर में, क्योंकि यहाँ का जो मैंने रेस्टोरेंट देखा तो यहाँ का जो पूरा सेटअप है बिल्कुल मुगलई टच दिया हुआ है। उसमें आपको लगेगा कि हाँ, मुगलई फील आएगा आपको। और बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट है, वेल मेंटेन है, साफ़ सुथराई का भी बहुत ख्याल रखा है। बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा, वेल मेंटेन है। और अभी मैं बात करूँगी फूड की, तो पहले आप यहाँ का एम्बियंस चेक करिए। वन मोर थिंग, जेड स्क्वायर में भी नज़ीर फूड जल्दी ओपन होने वाला है, तो वहाँ का ब्लॉग भी आप सबको जल्दी मिलेगा। बगर। बगर। और क्या खाएंगी? आप तो चिकन। हाँ, चिकन। और क्या खाएंगी? तुम कोल्ड ड्रिंक तो पीती नहीं है ना? पीती कोल्ड ड्रिंक। सबसे बेस्ट बात है नज़ीर फूड्स की कि यहाँ पे सब लोगों का ख्याल रखा गया है, हर चीज़ का ख्याल रखा गया। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन फूड भी मिलेगा, नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन फूड मिलेगा। अगर आपको स्नैक खाना है, फास्ट फूड खाना है, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा सिर्फ एक रेस्टोरेंट में, और बहुत ही टेस्टी मिलेगा। और प्राइस, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप प्राइस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना फैमिली के साथ डिनर भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग भी कर सकते हैं। एंड स्पेशली थर्सडे को आप ज़रूर आइएगा, बाय वन गेट वन फ्री है चिकन लॉलीपॉप के, तो कॉलेज गोइंग लोगों के लिए भी परफेक्ट रहेगा। अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आइए। और बात करूँ मैं मील्स की, तो यहाँ पे 99 में बिरयानी मील मिल जाएगी, 199 में बर्गर मील मिल जाएगा, एंड दाल मखनी मील मिल जाएगा, एंड 249 में आपको चिकन तवा मील मिल जाएगा। तो मैंने लिया था सबसे पहले अपना बर्गर मील, जिसमें मुझे मिला था एक बर्गर, पॉपकॉर्न, चिकन पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक। और उसके बाद मैंने लिया था बिरयानी मील, जिसमें बिरयानी थी और कोल्ड ड्रिंक थी। तो बिरयानी मील तो 100 रुपीज़ में सही है, पर 100 रुपीज़ में आप क्या लोगे? अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के आपको 100 रुपीज़ में बिरयानी खाने को मिल रही है, तो अब इससे ज़्यादा क्या लोगे आप? बात करूँ मैं चिकन रोल पॉपकॉर्न की, तो ये भी अच्छा था जैसे नॉर्मली होता है। और बर्गर जो था वो चिकन बर्गर था, लेकिन बिल्कुल भी चिकन बर्गर नहीं लग रहा था, बन काफ़ी अच्छा था, बहुत सॉफ्ट था। लेकिन जो बर्गर के अंदर की पैटी थी वो चिकन पैटी नहीं लग रही थी, मुझे कबाब पैटी लग रही थी, और था वो चिकन का ही, लेकिन टेस्ट बिल्कुल शामी कबाब, आपने खाया होगा तो शामी कबाब और बन जैसे खाते हैं टेस्ट आता है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। बिरयानी की बात करूँ तो बिरयानी आपको रेस्टोरेंट में या अच्छी जगह पे हमेशा कम स्पाइसी मिलती है, क्योंकि वो इस तरह से बनाते हैं कि दोनों टाइप के लोग खा लें। तो बिरयानी एवरेज थी, और सबसे टेस्टी मुझे लगा था ये चिकन टकाटक रोल, बहुत ही टेस्टी था ये चिकन टकाटक रोल, जिसका प्राइस था 140 रुपीज़, बट बहुत टेस्टी था। आज मैंने इन्जॉय किया है इनके मील्स, तो मील्स के ऑफर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी रीजनेबल हैं, कॉलेज गोइंग लोगों के लिए परफेक्ट रहेगा। और अगर आपको कभी हल्का फुल्का खाना हो तो यहाँ का मील्स इन्जॉय कर सकते हैं, जो मील्स पे ऑफ़र्स हैं, और जल्दी करिएगा, हो सकता है ये मील्स के ऑफ़र्स चेंज भी हो सकते हैं। बात करूँ मैं यहाँ प्रॉपर खाने की, जो इनकी स्पेशलिटी है मुगलई क्यूज़ीन की, तो वो भी मैं ज़रूर आऊँगी यहाँ डिनर पे, और आपके साथ उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, जो स्पेशली इनके मटन है, नहारी है, चिकन है, वो भी मैं आपको रिव्यू करके ज़रूर बताऊंगी। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से फूड का रिव्यू चाहिए किस रेस्टोरेंट का, मुझे कमेंट ज़रूर किया करिए। आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।